रोगी चालना होता विभिन्न नर्सिंग होम रेड कर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस सहित सीडीएमओं टीम मिलित चढ़ाव कर गिरफ दलाल पचराउचरा पर पुलिस को मिली बड़ लोकों लिंक गंजाम जिला दिगपहंडी सब रजिस्टर कार्यालय परिसर में आतंक मचाले दुर्बृत्त जमी जमा भाग बंटा को नहीं लगि रही पारिवारिक कलह नेला उग्र रूप जमी किणाबिका समय तीन जन खंडे मरणात्मक आक्रमण होइतबार अभियोग गुरुतर को उद्धार कर चिकित्सा निमंत मेडिकल भर्ती कर खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर पुलिस विभाग में युवती शोषण अभियोग वरिष्ठ अधिकारी माने तलिया कर्मचारी झील जोगाइबा कर झील जोगाइब तो चाकरी रही न जोगाइले ट्रांसफर होवार धमक देवार अभियोग सांघातिक अभियोग डीसीपी आर्मी कमांडर विजय कुमार साहू नाँ से अभियोग आनी जड़े सिपाही पत्नी झील जोगाइबा स्वामी को बाध्य कर न मानवर ट्रांसफर करने चाकरी बाहर करने धमक दे एने सिपाही निहार रंजन नायक गत तीन दिन तले फिनाइल पी आत्महत्या उद्यम कर एक घर हस्पिटाल चिकित्सित होता से कहते घटना को नहीं निहार का पत्नी भोनी और तांको मां पुओ आसी कमिश्नर को भेटी घटनार तदंत कर कार्यानुष्ठान दावी करते जाँल फांडी परिसर में एक कार मधुरी महिला कंका उद्धार घटन हस्तक्षेप करते जातीय मानव अधिकार कमिशन पुलिस डीजी को नोटिस जारी करते कमिशन आठ सप्ताह मध्य आवश्यक कार्यानुष्ठान लगी पुलिस डीजी को कमिशन निर्देश देते पुलिस अवहेला जो एभली घटना घटना अभियोग कर मानव अधिकार कर्मी श्री अखंड एनएचआरसी निकट में पिटिशन दायर करते 12 फेब्रुआरी 2021 एक घटना जमापड़ा महिला परिचय पाइबा पर पुलिस एपर्यंत सफल होना पिपिली उपनिर्वाचन पर सरगरम हो प्रचार सीट हाथेबा तीन दल मैदान को ओह्ल प्रस्तुति करुंट रणनीति विरोधी को जवाब देवाक जा प्रचार मैदान को ओह्लैबे बीजेडी सुप्रिमो पिपिली जा रुद्रों पर भोट मागे नवीन एने सूचना देते बीजेडी पर्यवेक्षक प्रताप देव पिपिली उपनिर्वाचन तीन प्रमुख राजनैतिक दल निज निजर रणनीति को नहीं प्रचार मैदान को ओह्ल बीजेपी और बीजेडी निज निजर स्टाइल रे भोट मागिबारे केही जमीती पछरे नहांती गंजाम में भोजी बदल में खाद्य पुड़िया देवा निर्देश गंजाम में बिवाह भोजी बदल में दिजाव खाद्य पुड़िया गंजाम में नुआ कटकणा जारी कले जिलापाल कोरोना संक्रमण रोकने को बिवाह भोजी में कटकणा खाद्य परेषण बदल में खाद्य पुड़िया देवा निर्देश हाइकोर्ट में पहुंचा विद्युत दर वृद्धि प्रसंग एने हाइकोर्ट में दायर है जनस्वार्थ मामला सुरेंद्र पाणिग्राही पक्षर् दायर है मामला राज्य सरकार और विद्युत कमिशनर समेत 11 जन को पक्षभुक्त कर राज्य में 500 टपिला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 523 थोरी नुआ आक्रांत चिह्नट खोर्धार सर्वाधिक 96 पजिट चिह्नट आज राज्य 10 जिले में लागू हो नाइट कर्फ्यू राति 10 सका 5 जाए नाइट कर्फ्यू लागू हो समय मध्य जरूरकालीन सेवा को छाड़ समस्त कार्य बंद दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखा कहुई से मेडिकल और जरूरकालीन कार्यक्रम को अनुमति मिल जानवाहन जातायात भी कटका नाइट कर्फ्यू समय पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन आदि खोला रहा नहीं निष्पत्ति राज्यर विभिन्न जिले में वर्धित कोरोना संक्रमण को नजर रखी यह निष्पत्ति राज्यर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बलांगीर संबलपुर बरगढ़ कलाहांडी नुआपड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी और कोरापुट जिले में नाइट कर्फ्यू को नहीं सरकार निष्पत्ति परवर्ती निर्देशनामा आसवा पर्यंत कटका बलबत्तर रही एने पूर्व निर्देशनामा जारी करते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कोविड स्थित को नहीं स्वास्थ्यमंत्री नव दास प्रतिक्रिया सीमावर्ती अंचल में आम पर्यवेक्षक गस्त कर स्थित को अनुधान करेटिंग केमी बढ़ गुरुत्व दिया स्कूल एयरपोर्ट रेल स्टेशन कोविड बाहर से आमको अधिक गुरुत्व देवाक पड़ जिलापाल को एने निर्देश दिजाई दरकार पड़े रात्रि कर्फ्यू पर सरकार अनुमति लोड़ पार और रिपोर्ट पठाइबे सेपटे गतकाली बाचस्पति आवश्यक स्थले दिन कर्फ्यू लगता बेले आज स्वास्थ्यमंत्री नव दास सामान कथा कहते कलाहांडी जिले में धीरे धीरे बढ़ुच्च कोरोना संक्रमण जहां एवं जिला प्रशासन मुंड व्यथा पलटि गोटे पटे संक्रमण नियंत्रण बाहर को जाता बेले अंपटे अमान्य पलटिंट कोविड संक्रमण वृद्धि कारण जिला प्रशासन पक्षर कोरोना नियंत्रण पर पदक्षेप ग्रहण कर झारसुगुड़ा जिला प्रशासन पक्षर कोविड नियम उल्लंघन को नहीं कार्यानुष्ठान 10 दुकानु 10,000 टंकार फाइन आदाय सहित 2 दुकान को सिल कर प्रशासन कोविड नियम उल्लंघन अभियोग में झारसुगुड़ा सहर मुख्य रास्ता रेलवे स्टेशन निकट सुसेंटर जोता दुकान एवं पुराणा बस्ती निकट में मोबाइल स्टेशन नामी गोटे मोबाइल दुकान को सिल कर प्रशासन आज कोरापुट जिले में लागू हो नाइट कर्फ्यू एने जयपुर प्रशासन तरफ डाकबाजी जंत्र द्वारा लोकों सचेतन करा कोरापुट जिले में 25 दिन में 44 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्ह रोच
छत्तीसगढ़ में कोरोना आक्रांतों संख्या वृद्धि पाथ्वर कोरापुट जिले में नाइट कर्फ्यू हो अनिर्दिष्ट काल जाए जिले में नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रही सरकार निष्पत्ति जरूरीकालीन सेवा अत्यावश्यक सामग्री और मेडिकल मामलें लोकों नाइट कर्फ्यू कोहल कर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कोरोना संख्या बढ़ुवर मलकानगि जिला प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था करलकानगि छत्तीसगढ़ सुकमा जिला को यातायात करुवा समस्त गाड़ी को पुलिस प्रशासन पक्ष कड़ाकड़ी जांच कर आनंदपुर उपखंड में हेलमेट और मास्क चेकिंग को कड़ाकड़ी विभिन्न स्थान में पुलिस अचानक चेकिंग आरंभ होता बेले लोके सतर्क होता देखा मिली सरकार नूतन नियम अनुजाई अमानियों ठार फाइन आदाय किसी दिन पूर्व सचेतन करेकिंग कड़ाकड़ी हो आनंदपुर आईआईसी सूचना देते तेणु प्रत्येक बाइक चालक हेलमेट सहित मास्क व्यवहार करने को से अनुरोध कर राउरकेलें इस्पात कारखाना और अग्निकाण्ड कारखाना एसएमएस दुई दुर्घटना स्लाग बॉयलर कंट्रोल रूम नि लगता सूचना स्लाग बॉयलर कंट्रोल रूम व्यापक जंत्रपाति नष्ट भोर समय फोम गैस अग्निकाण्ड घटित सूचना मृताहत को नहीं कौन सूचना ना निया को आयत्त कला दुई दमकल बाहिनी तदंत निर्देश देले आरएसपी सीईओ स्लाग बॉयलर कंट्रोल रूम को व्यापक जंत्रपाति नष्ट नयागढ़ शरणकूल थाना बरसाही गांव में अभावनीय घटना जड़े दंडुआ मृत्यु पर मृतदेह को बचाईवा पूजार्चना कर देखा मिली गांव में दंडजात्र घटना देखा मिली कोरोना कटका को नहीं अल्प संख्यक दंडुआ को नहीं दंडनाच होता तांकु चिकित्सा ग्रामवासी प्रथमे शरणकूल और नयागढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को नहीं तेज सेठे डाक्तर मृत घोषणा करते तेज शव को व्यवच्छेद नक पर ग्रामवासी डाक्तर को अविश्वास करने रवि को बचाईवा गांव में पूजार्चना कर ग्रामवासी नंदीघर मंगला कोठी जल आनी शव को गाधवा तंत्रमंत्र करपरिकी जड़े गुणिया को डाक पूजा करने को बाध्य पछाई ना शरणकूल थाना पुलिस घटना संपर्क में सूचना पाई तदंत आरंभ कर ढेंकानाल मुख्य चिकित्सालय में नाबालिका कॉलेज छात्री मृतदेह बालेश्वर जिला खैरा थाना अंचल नाबालिका कॉलेज छात्री मृतदेह ढेंकानाल उद्धार होती नाबालिका परिवार तरफ अपहरण कर हत्या करटणे जन को अटक रखी पचराउचरा कर पुलिस गत गुरुवार घर डाक्तखाना को आसवा पर निखोज थी नाबालिका रविवार दिन सदर पुलिस नाबालिकार पर खबर देता खैरा थाना पुलिस पक्ष अभोग पर तुरंत पदक्षेप निभोग आके जयपुर 26 नंबर जातीय राजपथ रे रंडापाली फार्मासी कॉलेज निकट रे दुर्घटना दुर्घटन ड्राइवर और हेल्पर आहत होती ट्रक टी रायपुर विशाखापाटना जाता बेले दुर्घटना घटी जातीय राजपथ निर्माण कार्य जारी रोथवारु ठिका संस्था माटी पकाइतिला तेणु भारसाम्य हराई ट्रक टी दुर्घटना घटितबार अनुमान करा जाउछि टिटलागढ़ सहर में प्रचंड ताति बढ़ुवार बेले पानीय जल समस्या उत्कट रूप नहीं टिटलागढ़ बीजेपी युवा मोर्चा आज 12 घंटिया बंद पालन करुछि टिटलागढ़ सहर को पीवा पानी जोगाई देवा दाबी नहीं आज बंद पालन करछि युवा मोर्चा सप्ताह को थरे टिटलागढ़ प्रशासन पाइप जोगे पानी जोगाई देउथबा बेले ताहा सहरवासी समुद्र को संखे एहाकु नै लोके तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि बहुबार एने वार्डवासी आंदोलन करथिले भी पानी जल समस्यार समाधान हो नाही आज टिटलागढ़ में दुकान बजार में ताला झुलुची समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रही तेज टिटलागढ़ सहर में बीजेपी युवा मोर्चार सदस्य माने पिकेटिंग करी अनेक उठा दुकान को बंद करते केन्द्र जिला घसीपुरा ब्लक पनासिया गाँव में उत्कट पा समस्या पापी गाँव महिला दुई किलोमीटर दूर को जवाक पड़ी प्रतिदिन महिला माने गोरा और हांडी धरी पहाड़िया रास्तार जाई चुआर पा आणुंट गाँव में कूक कि पोखरी नवर लोके स्नान शौचपाई हईराण होती गाँव में या दुईट नलकूर दूषित पा बाहर यह व्यवहार उपयोगी हो पार ना फल लोक दीर्घ दिन धरी चुआ पा व्यवहार कर बारंबार सरपंचों ठू आरंभ कर विडीओ को पानी समस्या संपर्क में जन कि सुफल मिलूना आगामी दिन में ग्रामवासी को स्वच्छ पानी जल जोगाई देवाक दावी होती गजपति जिला मोहना ब्लक अड़वा निकटस्थ जामगंडा ठारी फरभांगी नदी उपर विजु सेतु योजन निर्माण चली पोल कम सेतु निर्माण पर 5 कोटी टंका व्यवराद होती पोल निर्माण में 2018 मार्च 2018 आरंभ हो 2019 नवेम्बर शेष हो फलक उल्लेख रही हेले पोल निर्माण कम मंथर गति में चलुवर आज पर्यंत शेष हो पारना वर्ष वर्ष धरी 42 खंड गांव लोके विपदपूर्ण भाव में यातायात कर विभाग अधिकारी और ठिकादार मधुचंद्रिका जो निर्माणाधीन पोल कम अति निम्नमान अभियोग करते अंचलवासी प्रशासन एथप्रति दृष्टि नदे आगामी दिन में अंचलवासी आंदोलनात्मक पंथा अपणवाक चेतावनी देते जैविक पद्धति में लंका चाष कर उदाहरण सृष्टि करते संबलपुर जिला जमनगिरा ब्लक सिरीटी गांवर महिला चाषी अवंती नायक कुचिंडा उपखंड जलवायु लंका चाषपाई उपयोगी होतु से गत वर्ष लंका चाष आरंभ कर लंका चाष कर परिश्रम ठारू अधिक लाभवान होती से
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେଜି ପ୍ରତି 70ରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କେଜି ପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅବନ୍ତି 1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲଙ୍କା ଅମଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସି ଲଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଅବନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। गणित विषय को सरलीकरण कर छात्र छात्री को पढ़ावा उद्यम तिहिड़ी ब्लॉक चौर मुकुंदपुर गाँव अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक नित्यानंद पट्टनायक प्रयास। घर अलिया आवर्जनारु 50 रु अधिक प्रकल्प तैयारी पिलाजे गणित शिक्षा देखिए अलिया आवर्जना और अदरकारी पदार्थ द्वारा त्रिभुज चतुर्भुज वृत्तचित्र सांग को तार सूत्र बुझाऊपरिकी सका और सन्धार छात्र छात्री को मगणारे गणित शिक्षा देखते। नित्यानंद गणित शिक्षा पाई बहुबार पुरस्कृत होती खास खेल गणित खेल और महापुरुष जीवनी उपरे बही लिखिं केवल छात्र छात्री माने नुहंती स्थानीय बासिंदा अभिभावक और स्थानीय सरपंच नित्यानंद प्रचेषा को बेस प्रशंसा कर। श्रीमंदिर 75 मीटर सुरक्षा जोन में पुणि उच्छेद आरंभ हो श्रीमंदिर उत्तर द्वार गोपाल भवन जिला प्रशासन उच्छेद कर पूर्व यह प्रशासन निज दखल नहीं आज पुलिस फोर्स उपस्थित यार उच्छेद कर उपजिलापा उपस्थित एही कार्य चालू रही उच्छेद को नहीं अग्निशम बाहिनी उपस्थित रही सुरक्षा दृष्टि उक्त अंचल को सील कराई एक प्लाटून फोर्स पुलिस मुतयन होगास दुईट जेसीबी मेसीन उच्छेद कार्य नियोजित होते। संबलपुर पुलिस को सफलता बुला थाना अंतर्गत गोशाला निकट में एक हार्डवेयर दुकानर चोरी अभियोग जड़े संदिग्ध अपराधी को गिरफ्त कर पुलिस एने संबलपुर एसपी सूचना देते। संबलपुर पुलिस अपराधी को गिरफ्त करने गोटे कार 2 लाख टंका मूल्यर हार्डवेयर सामग्री जबत कर चोर चोरी करुवा समय पुलिस खबर पाइबा चोर को पिछा करने धरवे सफल होता। संबलपुर प्रथम थरपाई खुलला आईसीयू सेंटर सबुठू शस्ता दर में यह आईसीयू रोगी जोगाई दि जाऊँगी सांबादिक सम्मेलन में सूचना देखते आरोग्यम मेडिकल करतृपक्ष। एने चेन्नईर सिपका नामक एक संस्था संबलपुर आरोग्य मेडिकल सह अनुबंधित करिछि। विभिन्न समय रे रोगी को आईसीयू दरकार पड़ता है जहां सबुबे बुला मेडिकल रे मिली नथिला एथिपाई अनेक रोगी मृत्यु हो दृष्टि रखि संबलपुर रे एही सेवा आरंभ होइछि। खोर्धा पूर्त विभाग डाकबंगला परिसर रे कांग्रेस पक्षर खोर्धा निर्वाचन मंडल स्तरीय संगठन कन्वेंशन अनुष्ठित हो जाएगी। कांग्रेस विधायिका प्रार्थी स्वागतिका पट्टनायक संयोजन करते पूर्वतन विधायक उमावल्लभ रथ वरिष्ठ नेता सुदर्शन दास समेत बहु दलय कर्मी जोगदे। अवसर में आगामी पंचायत निर्वाचन और पौर निर्वाचन कि दल को मजबूत वरिष्ठ नेता माने कर्मी मानंकु गुरुमंत्र प्रदान करते। कन्वेंशन में प्रत्येक पंचायत और ब्लॉक स्तर कांग्रेस कर्मी जोगदे। आज चैत्रमास कृष्णपक्ष नवमी तिथि आज पवित्र तिथि अवसर में श्रीमंदिर अनुष्ठित हो महाप्रभु खसापड़ा नीति मध्याह्न धूप दे दईतापति सेवक माने रत्न सिंहासन उपरे चढ़ी 4 घंटा धरी महाप्रभु गुप्त नीति संपादन करेंगे। खसापड़ा नीति श्रीजीवर श्रीपयर सुरक्षा लगी करीति महाप्रभु श्रीपयर को धला कपड़े घोड़ाई दि जाए बर्षे 2 रु 3 थर यह नीति संपादन करेतु देवस्नान पूर्णमी और श्री गुंडीचा जात्रा आदि महाप्रभु पहंडी होते तेणु ता पूर्व खसापड़ा नीति कर सेपटे यह गुप्त नीति होइतिबारु मुख्यतः अपराह 4:30 राति 8 पर्यंत साधारण दर्शन बंद रहिबो श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मात्र खसापड़ा नीति सरिबा परे नीतिकांति पूर्व भली आगकु बढ़िबो। अनुभव वर्षा विवाह विच्छेद मामला आज कटक पारिवारिक अदालत रे हाजर हेले वर्षा प्रियदर्शिनी स्वामी अनुभव महांती विवाह विच्छेद को नहीं दिल्ली पटियाला कोर्ट रे आवेदन करथिले। मात्र दिल्ली जाए मामला परिचालना करिबा संभव असंभव दर्शाई वर्षा सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होइतिले। सुप्रीम कोर्ट रे दिल्ली पटियाला कोर्ट मामला को कटक पारिवारिक अदालत को स्थानांतरित पाई निर्देश दैथिले। आज से मामलार कटक फैमिली कोर्ट रे तारीख धार्य होइतिबारु वर्षा व्यक्तिगत भाव में कोर्ट रे हाजर होइछन्ते। खोर्धा बीजेपी हाईस्कल मिनि स्टाडियम परिसर रे आरंभ होइतिला 4th सर्वभारतीय रात्रिकालीन खोर्धा कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। यह टूर्नामेंट को अंतर्जातिक ख्याति संपन्न खेलाड़ी सैयद साबा करीम देवाशीष महांती ओसीए कोषाध्यक्ष विकास प्रधान प्रमुख उद्घाटन करते।
ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁର ସହରରେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଓ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜୟପୁର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଲିବଲ୍ ଲିଗ୍ରେ ଜୟପୁରର 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହନୁମାନ 6 ଓ ଜେଜେ ଏସ୍ପି 6 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା।